इस व्रत को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें एवं इसका पालन अवश्य करें। राधे राधे मित्रों, राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दुष्ट संग नहीं दे विधाता, तासे भलो नरक को वासा। प्रत्येक बुद्धिमान पुरुष ये चाहता है कि वो कभी दुष्टों का संग ना करे। भगवान की कृपा से उसे कभी दुष्टों की संगति प्राप्त ना हो, क्योंकि दुष्टों की संगति से अच्छा तो नरक में वास करना है, क्योंकि नरक में वास करने से प्राणियों के पाप नष्ट होते हैं और वो धीरे धीरे पापों से रहित हो जाता है, जबकि दुष्टों का संग करने से प्राणियों के पाप तो बढ़ते ही हैं, साथ ही साथ उसका परलोक भी बिगड़ जाता है। प्यारे मित्रों, इसीलिए अगर आपके मित्र, आपके भाईजन ऐसी संगति के हैं जो दुर्बुद्धि के कारण हमेशा भगवान से दूर रहते हैं, एक दूसरे की निंदा, चुगली और सिर्फ धन कमाने की ही सोचते हैं, सांसारिक भोगों में लीन रहने की शिक्षा देते हैं, ऐसी संगति से दूर हो जाना चाहिए। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम सनेही। जिसके भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण प्रिय ना हो, जो भगवान की भक्ति में ना रहता हो, ऐसे दुष्ट व्यक्ति से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि इनसे नीच योनियां प्राप्त होती हैं, जिसमें बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। ये कथा है सतयुग की, जहां महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। राजा का छोटा भाई ब्रजध्वज अपने बड़े भाई से द्वेष करता था। एक दिन अवसर पाकर उसने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। प्यारे मित्रों, अक्सर हम सिर्फ वर्तमान की ही सोचते हैं और इसी चक्कर में बड़े से बड़े पाप करने से भी नहीं कतराते। हम ये भूल जाते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं ये हमें भुगतना पड़ेगा। हमें भविष्य की सोचनी चाहिए और बुरे से बुरे समय को धैर्य से काटना चाहिए। क्या पांडवों पर बुरा समय नहीं आया? क्या भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास जैसा भयंकर कष्ट नहीं झेला? अगर आप पर भी कोई कष्ट, कोई कठिनाई आए तो उसे धैर्य पूर्वक सहते रहिए। विश्वास रखिए, भगवान की कृपा होगी और प्रयास करते रहिए, आपको रास्ता अवश्य मिलेगा। उस ब्रजध्वज ने जब अपने बड़े भाई को मारकर एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ा और वहां से चला गया, वो राज्य करने लगा। लेकिन वो मूर्ख भूल गया कि समय का पहिया चलता रहता है और जिसने जो किया वो उसे भुगतना पड़ता है। वो राज्य हार गया और दुर्गति के कारण नरक में गया। इधर बड़े भाई की मृत्यु अकाल मृत्यु होने के कारण उसकी आत्मा प्रेत बनकर पीपल पर रहने लगी। वो रास्ते से गुजरने वाले हर व्यक्ति को वो आत्मा परेशान करती थी। एक दिन एक ऋषि इस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने उस प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उसके प्रेत होने का कारण जाना। वो प्रेत दुखी होकर अपनी मुक्ति का उपाय के लिए उन ऋषि से प्रार्थना करने लगा। ऋषि बहुत दयालु होते हैं, दया उनका भूषण होता है। इसीलिए प्यारे मित्रों, जिसके हृदय में दया होती है वो भी साधु ही कहलाने योग्य है। इसीलिए भगवान श्री राम अपने भाई भरत जी को साधु ही मानते थे। तात भरत तुम सब विधि साधु, सिर्फ वस्त्र पहनने से ही साधु नहीं होते, उच्चतम आचरण साधु की पहचान है। ऋषि ने दया करके पीपल के पेड़ से राजा की प्रेतात्मा को नीचे उतारा और परलोक विद्या का
उसे उपदेश किया। राजा ने कहा, महाराज कोई और उपाय करिए, मुझे इस योनि में बड़ा कष्ट भुगतना पड़ता है, अब मैं इसमें और रहना नहीं चाहता, मेरी मुक्ति करिए महाराज। मित्रों, जब कोई जीव प्रेत योनि को प्राप्त करता है तो बड़े कष्ट में होता है, एक सुई की नोक के बराबर उसका मुख होता है, उसे भूख लगती है पर ना तो खा सकता, उसे प्यास लगती है पर वो पानी भी नहीं पी सकता, ऐसी स्थिति में वो तड़पता रहता है और किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करके तृप्ति चाहता है। इसीलिए भूत प्रेत किसी शरीर में प्रवेश तब ही करते हैं जब वो शरीर अपवित्र होता है। अपने आप को पवित्र रखिए, पवित्र विचार रखिए, दूषित विचारों से शरीर बुद्धि, दूषित विचारों से शरीर बुद्धि और मन सभी अपवित्र हो जाते हैं और वो निमंत्रण भी देते हैं ताकि प्रेत भूत आदि शरीर में आ जाएं। ऐसा मौका मत दीजिए। राजा के इस कष्ट को देखकर उन ऋषि ने उसको मुक्ति दिलाने के लिए एक व्रत रखा। वो व्रत था अपरा एकादशी का व्रत। पूरे दिन एकादशी का व्रत रहने के साथ साथ उन ऋषि महात्मा जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप किया और द्वादशी के दिन व्रत पूरा होने पर व्रत का पुण्य प्रेत को दे दिया। एकादशी व्रत का पुण्य प्राप्त करके वो राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया और स्वर्ग चला गया। ये महान व्रत भगवान विष्णु की कृपा दिलाने वाला है, इसीलिए प्रत्येक प्राणी को जो प्रेत योनि में है या उसके कोई पूर्वज प्रेत योनि में है या उसके घर की उसके आसपास के सगे संबंधी किसी प्रेत से परेशान हैं तो ऐसी अवस्था में अपरा एकादशी का व्रत करके इसका पुण्य उस व्यक्ति को दे देना चाहिए। ऐसा करते ही सच्ची और सही विधि से व्रत रहने के बाद वो पुण्य उसे देते ही वो व्यक्ति प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। प्यारे मित्रों, इस बार अपरा एकादशी 15 मई की है, यानी आज की है, इसीलिए इस महान एकादशी का व्रत प्रत्येक विष्णु भक्त को अवश्य रहना चाहिए। हर महीने में दो बार एकादशी तिथि होती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। साल में कुल 24 एकादशी तिथि पड़ती हैं। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी अपरा एकादशी कहलाती है। इस दिन भगवान की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। अगर ऐसा ना हो सके तो भगवान को ओम नमो भगवते वासुदेवाय बस इसी मंत्र से प्रसन्न करना चाहिए और व्रत अवश्य रहना चाहिए। द्वादशी तिथि को सुबह 8:30 बजे तक पारण कर लेना चाहिए। अगर कुछ ना हो सके तो बस एक गौ माता को भोजन खिला करके स्वयं प्रसाद ले लेना चाहिए, आपका व्रत पूरा हो जाएगा। जय श्री राधे।